रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने आज अपना नामांकन कलेक्टर पर कार्यालय से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात विशाल आमसभा बस स्टैंड पर आयोजित हुई विशाल आमसभा में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी संजय दत्त विशेष रूप से उपस्थित रहे। कांग्रेस के दिवंगत नेत्री सुश्री कलावती भूरिया को समस्त अतिथियों ने आज उनकी तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। हजारों की संख्या में रतलाम अलीराजपुर झाबुआ जिले प्रत्येक गांव से कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और किसानों, ग्रामीणों विशाल आम सभा में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि हमें बीजेपी के बहकावे में नहीं आना है। भाजपा जनता को भ्रमित करने वाली पार्टी है, कहती कुछ है और करती कुछ है। आपके क्षेत्र का नेता कांतिलाल भूरिया देश का आदिवासी नेता, 45 साल की राजनीति में उन्हें आज तक कभी कोई दाग नहीं लगा। घोषणा पत्र में 5 न्याय गारंटी दी है, उस गारंटी में किसानों, श्रमिकों, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगारों का विशेष रूप से ख्याल रखा गया। इंडिया गठबंधन सरकार बनते ही उसे पूरा भी किया जाएगा।